अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, कल हमारा जो टॉपिक था वो था हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हमने कल टैक्सोनॉमिक हायरार्की की डेफिनेशन तक हमने स्टडी कर लिया था। उससे पहले हमने एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी हमने स्टडी किए। आज जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की की डेफिनेशन के बाद हमने कौन सी ऐसी हायरार्की है जिसकी बिना पर हम जानदारों को पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, तो वो हमारे सामने ये नजर आ रहा है। अच्छा, इसको रीड आउट करने से पहले आप ये बॉक्स देखें। अगर आपकी बुक देखी जाए तो आपकी बुक का जो पेज नंबर 34 है वहाँ पे ये स्टार्टिंग से दिया गया। 34 पेज नंबर से आज हमने स्टार्ट करना है जो आपकी टेक्स्ट बुक है। और आप इसको देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनकी ये तरतीब याद रखनी है। अगर आप ये कहें तो ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो छोटे से बड़ा स्टेप आता जाता है, और ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो बड़े से छोटा स्टेप आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, किंगडम सबसे बड़ा है, उससे छोटा स्टेप फाइलम है, फाइलम से छोटा स्टेप क्लास है, क्लास से छोटा स्टेप ऑर्डर, ऑर्डर से छोटा स्टेप फैमिली, फैमिली से छोटा स्टेप जीनस, और सबसे छोटा स्टेप स्पीशीज है। इसी तरह हम अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो हमारे पास क्या आता है, सबसे छोटा स्टेप स्पीशीज, उससे बड़ा जीनस, उससे बड़ा फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा फाइलम, फाइलम से बड़ा किंगडम, ठीक है। तो ये हमारा जो ना ये तरतीब है, ये इस तरतीब को आपने जुबानी याद कर लेना है बिल्कुल यही इसी तरतीब से। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और यहाँ पे देखें ऊपर, अब ये जो डिवीजन दी गई है, सबसे पहले फाइलम है। यहाँ पे कुछ कह रहा है कि अब फाइलम इज अ ग्रुप, फाइलम एक ग्रुप है जो रिलेटेड है, रिलेट करता है, यानी कि ताल्लुक रखता है क्लास से। फिर क्लास भी एक ग्रुप है जो रिलेट करता है ऑर्डर से, ऑर्डर भी एक ग्रुप है जो रिलेट करता है फैमिली से, फैमिली भी एक ग्रुप है जो रिलेट करता है जेनरा से, जेनरा भी एक ग्रुप है जो रिलेट करता है स्पीशीज से, और स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, और स्पीशीज सबसे छोटा है, इसका लिंक किसी से नहीं है, इसका लिंक जस्ट डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म से है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो सबसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं क्लास को यहाँ से निकाल दूँ तो फाइलम डायरेक्ट ऑर्डर से रिलेट नहीं कर सकता जब तक क्लास नहीं होगी, या अगर मैं फैमिली को निकाल दूँ तो ऑर्डर डायरेक्ट जीनस से रिलेटेड नहीं हो सकता जब तक फैमिली ना हो, ठीक है। तो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ पे देखें इस जगह पे बॉक्स के ऊपर लास्ट लाइन पे, यहाँ पे ह्यूमन यानी कि इंसान का और पी यानी कि मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम दिया गया है। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। इंसान का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ये जो फर्स्ट है ये जीनस को शो करता है, सेकंड जो वर्ड है ये स्पीशीज को शो करता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। और जो पी है मटर का पौधा, इसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सेटिवम, पाइसम सेटिवम, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बच्चों, ये इसलिए है क्योंकि आपको हो सकता है एमसीक्यूज में आ जाए, तो पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन से पूछा जाए, तो इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। यहाँ पे इस बॉक्स में देखा जाए तो इस बॉक्स में दो की क्लासिफिकेशन, दो जानदारों की क्लासिफिकेशन दी गई है, एक ह्यूमन है और दूसरा पी यानी कि मटर का पौधा है। ह्यूमन एनिमल से लिंक करता है, जानवरों से, और पी प्लांट यानी कि पौधों से लिंक करता है। तो इन दोनों की हम ये क्लासिफिकेशन रीड करते हैं क्या है। सबसे पहले किंगडम देखें तो ह्यूमन का किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम इंसान का जो है वो कॉर्डेट है, क्लास इंसान की ममिलिया यानी कि ये मैमल्स में आता है, ऑर्डर इसका प्राइमेट्स है, फैमिली इसकी होमोनाइडी है, होमोनाइडी, जीनस इसकी होमो, और स्पीशीज इसकी सेपियंस है, सेपियंस है, लेकिन क्योंकि एच लगाया गया ये होमो सेपियंस भी आप कह सकते हो, ये इसका साइंटिफिक नेम पूरा बनता है। तो ये इंसान की जो पूरी क्लासिफिकेशन है ये आपको याद होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मटर के पौधे की देखें तो यहाँ पे जो मटर के पौधा का किंगडम है वो है हमारे पास प्लांट ही, ये प्लांट से ताल्लुक रखता है, फाइलम इसका मैग्नोलियोफाइटा, क्लास इसकी मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर इसका फैबेलिस, फैमिली इसकी है फबेसी, जीनस इसकी है पाइसम, और स्पीशीज इसकी है पाइसम सेटिवम,
ठीक है, सेटिवम यानी कि इसकी स्पीशीज है, लेकिन पाइसम सेटिवम क्योंकि इसका साइंटिफिक नाम है जो ऊपर आपने पढ़ा है, इसलिए इन्होंने पी लिखा हुआ है पाइसम सेटिवम। तो ये भी आपको जुबानी याद होना चाहिए, यानी कि ये बॉक्स आपने अच्छे से याद कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, पाइसम सेटिवम द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट, ये भी आपको रीड आउट करना चाहिए, जुबानी याद करना है। उसके नीचे चलें यहाँ पे, तो बच्चों ये स्पीशीज क्या होती है, ये क्योंकि एक बेसिक है, एक बेस है, जिस तरह इंसान जो है इंसान सेल से मिलके बना हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से, और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, जिंदगी का बेसिक यूनिट है। इसी तरह क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट कहलाता है वो स्पीशीज है, तो इसलिए यहाँ पे स्पीशीज की क्लासिफिकेशन दी गई है। ये देखिए लिखा हुआ है स्पीशीज, आगे इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हो, ये चीज आपके पेज नंबर 34 पे लास्ट पैराग्राफ है, वहां पे इसको आप ब्रैकेट में कर लें, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ताकि आपको याद हो स्पीशीज जो ना वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अ स्पीशीज इज अ ग्रुप, जानवरों का ऐसा ग्रुप है विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है यानी कि मेटिंग कर सकता है, ठीक है। मेटिंग करने के बाद क्या कर सकता है, फिर प्रोड्यूस फर्टाइल ऑस्प्रिंग, और अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता है, ऑस्प्रिंग बच्चे बच्चों को कहते हैं, बट लेकिन जो बच्चे होते हैं आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर, वो कुदरती तौर पर एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है बच्चों, आप पूरी 9th क्लास की जो बायो की बुक है आप पढ़ लोगे तो आपको 1st चैप्टर में भी स्पीशीज की डेफिनेशन मिल जाएगी, और 3rd चैप्टर में, ये 3rd चैप्टर है, तो सबसे अच्छी डेफिनेशन इसकी यही दी गई है, तो आपने यही डेफिनेशन इसकी याद करनी है और कोई भी नहीं करनी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये एक टेबल दिया गया, तो ये टेबल भी वही है, किंगडम यानी कि इंसान की जो है वो क्या दी गई है, किंगडम एनिमेलिया को कहते हैं, फाइलम कॉर्डेटा होता है, क्लास ममेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली होमोनाइडी है, जीनस होमो है, और स्पीशीज होमोसेपियंस है। ये इंसान की क्लासिफिकेशन दी गई है, ठीक है। और स्पीशीज क्या होती है, ये देखें यहाँ पे मेल फीमेल और उनके बच्चे दिखाए गए हैं, 4 लोग दिखाए गए हैं, मतलब ये है कि ये चारों क्या है, स्पीशीज है, ये स्पीशीज है और एक जैसे हैं, इनको हम स्पीशीज कहते हैं। अब चलते हैं येलो बॉक्स की तरफ, येलो बॉक्स में क्या कह रहे हैं, येलो बॉक्स में ये कह रहे हैं कि आप, अगर आपने अभी स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ी, तो स्पीशीज की डेफिनेशन में क्या है, इंटरब्रीड, इंटरब्रीड कर सके, लेकिन बच्चों बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है कि जो जिनका स्पीशीज वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनका भी आपस में इंटरब्रीड करवाया जा सकता है, लेकिन वो कुदरती तौर पर खुद नहीं करेंगे, ठीक है, उनको खुद करवाया जाएगा। तो वो कह रहे हैं, सॉरी, ये क्राइटेरिया इंटरब्रीडिंग के नॉट यूज द स्पीशीज, ये अब इंटरब्रीडिंग की बुनियाद पे हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे जानदार हैं जो इंटरब्रीड तो करते हैं, नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एक ये स्पीशीज है, जैसे कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एंड के डोंट इंटरब्रीड, उन इंटरब्रीड नहीं करते, बल्कि वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन के तरीके से ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो क्या है, स्पीशीज है, और उसको हम यूनिसेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ये जो बॉक्स है आपके पेज नंबर 35 पे एक म्यूल बना हुआ है, म्यूल के ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन द डेफिनेशन ऑफ द स्पीशीज वी मस्ट एम्फसाइज, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं स्पीशीज की तो हमें जोर देना चाहिए, किस पे जोर देना चाहिए, इन नेचर, ठीक है, इन नेचर, इस चीज को आपको आपने अच्छे तरीके से जोर देना है। क्यों जोर देना है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर मैं उसको आपको समझाऊंगा। मुझे ये बताएं कि दो जानदार हैं, टू स्पीशीज है, वो क्या आपस में इंटरब्रीड करेंगे खुद ब खुद कुदरती तौर पर, तो बच्चों वो खुद ब खुद इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है, वो खुद ब खुद इंटरब्रीड नहीं कर सकते, बल्कि उनको क्या किया जाता है, उनको इंटरब्रीड करवाया जाता है आर्टिफिशियली कंडीशन पे खुद ब खुद, और जब उनको आपस में इंटरब्रीड करवाया जाएगा तो उसमें से एक नई स्पीशीज बनेगी। अब वो जो नई स्पीशीज बनेगी वो स्पीशीज नहीं होगी, ठीक है, वो स्पीशीज नहीं होगी, फिर वो क्या होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसको स्पीशीज क्यों नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं ना कि वी मस्ट एम्फसाइज, हमें जोर देना चाहिए इन नेचर, नेचर के क्यों देना चाहिए, आगे बता रहे, बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू टू डिफरेंटली, दो जानदार हैं जो मुख्तलिफ हैं बट क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, लेकिन वो आपस में काफी मिलते हैं, ठीक है,
जैसे घोड़ा और गधा आपस में मिलता है। वो यही कह रहे हैं कि कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। अगर हम ये करें कि हम हॉर्स को और डोंकी को आर्टिफिशियल कंडीशन के तौर पर, यानी कि आर्टिफिशियली हम खुद उनको इंटरब्रीड करवाएं, क्रॉस ब्रीड करवाएं उनका, इन सच अननेचर, ये तो कुदरत के खिलाफ हो जाएगा ना, क्योंकि वो खुद तो इंटरब्रीड नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने उनकी नेचर में नहीं रखा। तो अगर हम करवाते हैं उनको खुद ब खुद, तो ये क्या हो गया, अननेचुरल हो गया। ठीक है, क्रॉस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब वो फर्टाइल नहीं होगा, अब क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। तो उनमें से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो इनफर्टाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहा है, अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। जब हम मेल डोंकी लेते हैं, मेल डोंकी और एक फीमेल हॉर्स को हम आपस में इंटरब्रीड करते हैं, तो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, जिसको हम कहते हैं म्यूल। आपकी बुक पेज नंबर 35 पे म्यूल की डायग्राम दी गई है, आप उसको गौर से देख सकते हैं, उसको हम म्यूल कहते हैं। म्यूल आमतौर पर बच्चों खच्चर को कहते हैं। तो देखें, जब हमने हॉर्स एक स्पीशीज है, डोंकी एक दूसरी स्पीशीज है, हम हॉर्स हॉर्स से इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, डोंकी डोंकी से इंटरब्रीड कर सकता है मेल फीमेल, और वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने उनको अननेचुरल तौर पे हमने उनको एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाया। जब दो क्रॉस करवाया तो उसमें से इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ। इसको इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग इसलिए कहा जाता है म्यूल को, क्योंकि ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये आगे रिप्रोडक्शन या इंटरब्रीड नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकता ये किसी से, तो ये नई स्पीशीज पैदा नहीं कर सकता। जब नई स्पीशीज पैदा नहीं कर सकता तो फिर इसको स्पीशीज में नहीं आएगा, ये स्पीशीज में नहीं आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है बच्चों, इसको गौर से सुन लें, ये स्पीशीज में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये मैंने आपको बता दिया, तो इस चीज को आपने याद रखना है। अब लास्ट में वो ही कह रहा है कि आप क्या करें कि इंटरनेट यूज करें। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के बाद आप जैसे ह्यूमन की और पी प्लांट की क्लासिफिकेशन दी गई थी, इसी तरह आपने फंगस की और बैक्टीरियम की क्लासिफिकेशन लिखनी है, ढूंढ के लिखनी है। तो बच्चों जरूर लिखिएगा ढूंढ के, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा, और कंप्लीट करने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा और दिखाइएगा भी, और मैं उसको चेक करूंगा। तो बच्चों जब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल इसका टेस्ट भी होगा, जैसे आप अकेडमी में टेस्ट देते हैं, ठीक है, उसी तरह का इसका टेस्ट होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यानी कि क्लासिफिकेशन। इसमें आपने काफ़ी स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ी और भी टॉपिक आपने पढ़े, तो इसको आपने ज़रूर याद कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो, तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। और दूसरा बच्चों के वो बच्चे जिन्होंने आज मेरा फर्स्ट लेक्चर लिया है और वो पीछे के लेक्चर लेना चाहता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक जो है वो मेंशन कर दूंगा, वो जरूर ले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाले लेक्चर जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगले लेसन के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।